प्रिंस है। बड़े अब्बू को लेकर आ गए। आजा अनवर भाई, बहुत अफसोस हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, एक हफ्ते पहले ही साजिद भाई से मुलाकात हुई थी। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा कि मेरा भाई, हमारे घर का सरबरा, क्यों अचानक हमें छोड़ के चला जाएगा। हार्ट अटैक तो एक बहाना था, उनकी बेटी की बारात वापस लौट गई। एक गैरतमंद बाप कहाँ ये सब सह सकता था। क्या बारात वापस लौट गई, मगर क्यों? क्या कोई जहेज वहेज की बात हुई थी? अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल उनकी बेटी घर से भाग गई थी। मरने वाले के बारे में क्या कहें, अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे। अगर औलाद नाफरमान हो तो माँ बाप को बहुत कुछ सहना पड़ता है। नहीं बर्दाश्त कर सके साजिद भाई, कमजोर निकले। भाभी, भाभी संभाले खुद को, आंखें खोले। भाभी जान का आपने दीदार कर लिया, इसके बाद आप उन्हें नहीं देख सकेंगे, इनको ले जाएंगे। भाभी भाभी संभाले खुद, तुम्हें मना किया था कि तुम यहां नहीं आओगी। जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ लेके जाओ। इसको बड़े अब्बू का चेहरा तो एक बार देखने दो। हर किस मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। ना फरमान औलाद का कोई हक नहीं होता कि वह मरे हुए बाप का मुंह देखे। लेके जाओ इसे अंदर, ले जाओ। नहीं 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 चाचू, ये जुल्म ना करे मुझ पे। मुझे मेरे बाप का चेहरा तो देख लेने दे। आप सबको पता है ना कि अब्बू जी मुझे कितनी मोहब्बत करते थे। जब सबने मुझे ठुकराया था, मेरे बाप ने मुझे गले लगाया था। मुझे मेरे बाप का चेहरा देखने से कोई नहीं रोक सकता। गुनाह कर रही है, लोग देख गुनाह कर रही है, पर धारों से बात जुबान चलाती है। मेरे भाई को मारा है इसने, गुनाहगार है। वो प्लीज नहीं मारे, मारे मुझे मारे, लेकिन मैं अपने बाप का चेहरा जरूर देखूंगी और इसका हक मुझे कोई नहीं छीन सकता। वापस चले। अब्बू जी प्लीज उठ जाए,
मैं आज के बाद कुछ भी गलत नहीं करूंगी। देखिए मैं रमशा आपकी बेटी आपके पास आपको बुला रही है ना अबू जी, उठे अम्मी 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 अबू जी को उठाए ना, आप एक दफा उन्हें बोले तो सही कि रमशा उन्हें बुला रही है, वो मेरी हर बात सुनते थे अम्मी, उनको बोले उठे, अम्मी आप क्यों नहीं सुन रही है मेरी बात। चाची जी, चाची प्लीज प्लीज मेरे अबू को उठा, मुझसे बहुत प्यार करते, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकते, वो उनको पता मैं अकेली हो जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी सब कुछ। अबू जी देखे तो देख रहे ना आप, उठे ना प्लीज, रमशा आपको बुला रही है, मेरा भाई, मेरा शफीक भाई मेरे बाप की जगह था, जब मेरे अपा जान का इंतकाल हुआ ना तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं यतीम हो गया, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ था। लेकिन आप यकीन करें, आज मुझे यकीन हो गया मैं यतीम हो गया। सब्र करो, अल्लाह पाक की यही रजा थी। कुल नफ्स जायका तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, बस समझो इतनी ही सांसें लिखी थी साजिद। आप, आपके भाई के बारे में सुन के बहुत अफसोस हो, अल्लाह ताला उन्हें मगफिरत अता करे। आमीन आमीन। अगर इंसान मुश्किल वक्त में सब्र करे तो अल्लाह उसे उसका खास अजर देता है। मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि किसी अपने के जाने पर कैसा दुख होता है, लेकिन यकीन करो जितनी बड़ी आजमाइश होगी अल्लाह उतना ही ज्यादा अजर देगा। वजह फरमाया आप, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सब्र आ गया। इन्ना अल्लाह मा सबरीन, अल्लाह ने कहा है शक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अब तो अपने भाई की मगफिरत के लिए दुआ करो, अल्लाह साजिद की मंजिलें आसान करे, उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अब नमाज़े जनाज़ा कब? अब बस वो आसिफ की नमाज के बाद। ये बस अल्लाह ताला तमाम जो फ़राइज हमारे ज़िम्मे हैं उन्हें खुशनूदी से तय करे, और जितनी जल्दी ये सजा हो जाए उतना ही बेहतर। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मंजिल ऐसा बिठाओ।